योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोड चेन टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक परमानेंट स्पिल कैपेसिटर यानी PSC यानी PSC कंप्रेशर मोटर टाइप वायर्ड इन PTC रिले एंड रन कैपेसिटर। दोस्तों, जो ये डायग्राम है, ये लगभग हम जो AC में कंप्रेशर यूज़ करते हैं उनकी ये वायरिंग है PTC रिले के साथ, जिसमें हम रन कैपेसिटर को जोड़ते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है जो आपके बहुत ही काम आएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप स्क्रीनशॉट के द्वारा इस डायग्राम को सेव भी कर सकते हैं, जो आपके कभी ना कभी काम अवश्य आएगा। दोस्तों, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये कंप्रेशर बहुत ही स्पेशलाइज बनाए जाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिससे हमारे कंप्रेशरों पर बैड इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और उनकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। इसलिए ये जो कंप्रेशर, ये स्पेशलाइज बनाए जाते हैं परमानेंट स्पेशलाइज PSC कंप्रेशर मोटर टाइप वायर्ड इन PTC रिले एंड रन कैपेसिटर। जो ये PTC रिले यूज जाती है दोस्तों, ये तापमान पर कार्य करती है और अगर हमारे कंप्रेशर की मोटर वाइंडिंग का तापमान बढ़ता है तो ये हमारे कंप्रेसर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे हमारे मोटर की जो वाइंडिंग है वो सेफ हो जाती है और हमारा कंप्रेशर जलने से बच जाता है। मैं इसी डायग्राम के माध्यम से आपको इसके कनेक्शनों के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल है और आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल को लेंगे। दोस्तों, 230 वोल्ट है हमारी ये 50SZ वन फेज सप्लाई का डायग्राम है। हमने हमारे न्यूट्रल को सीधा ओवरलोड पर दे दिया है, जो सभी कनेक्शनों पर दिया जाता है। इसमें ओवरलोड इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी, या आपकी मर्जी है, आप इंटरनल के साथ एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी से हमारे ओवरलोड प्रोटेक्टर से एक वायर हमारी कंप्रेशर के कॉमन पर चली गई। हमारा ये सर्किट पूरा हो चुका है। अब हम न्यूट्रल को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम आते हैं फेज पर, यानी लाइव वायर पर। हमारी ये लाइव वायर सीधी हमारे रनिंग कैपेसिटर पर चली गई है। लगभग हम इन चीज़ों में 36 MFD का कैपेसिटर यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्रेशर अगर ज़्यादा हाउस पावर का है तो ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर यूज होगा। ये लगभग 5 हाउस पावर तक के कंप्रेशरों पर यूज़ किया जाता है, जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीधा हमारा फेस हमारे रनिंग कैपेसिटर की एक सिंबल पर चला गया और इसी से दोस्तों एक वायर सीधा हमारा PTC की एक सिंबल पर चला गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, PTC की जो दूसरी सिंबल है उससे एक वायर निकलकर हमारे रनिंग कैपेसिटर के दूसरे थिंबल पर चली गई और अब ध्यान से आप देखिएगा, उसी दूसरे थिंबल से एक वायर हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर कंप्रेशर की थिंबल पर चली गई और बची हमारी रनिंग कैपेसिटर की वायर। वो हमारे जिस पर हमने रनिंग कैपेसिटर के पहले थिंबल पर फेस दिया था, उसी से हमारे रनिंग कैपेसिटर पर चली गई। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो PTC रिले है वो रनिंग और स्टार्टिंग की सीरीज में लगती है, यानी कि इन दोनों वाइंडिंग अगर टेम्परेचर में अंतर आता है तो ये सेंस करके हमारे कंप्रेशर को सप्लाई बाधित कर सकती है और जिससे हमारा कंप्रेशर सेफ हो जाता है। और ये चीज़ जब होती है, जब हमारा कंप्रेशर लो वोल्टेज में चलता है या हाई वोल्टेज में चलता है, जिससे ये PTC रिले सेंस करके हमारे कंप्रेशर को सप्लाई बाधित कर देती है। बहुत ही दोस्तों सिंपल कनेक्शन है, ज़्यादा इसमें चक्कर नहीं है, सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और आप इस डायग्राम को सेव कर सकते हैं। ये डायग्राम है PSC कंप्रेशर मोटर टाइप वायर्ड इन PTC रिले एंड रन कैपेसिटर। दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस डायग्राम है, यानी कि आजकल बहुतायत इन्हीं कंप्रेशरों का यूज़ हमारे AC लाइन में हो रहा है, तो आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। दोबारा से आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए, हमारा फेस रनिंग कैपेसिटर के सिंबल पर चला गया और इसी से हमारा एक वायर PTC रिले के सिंबल पर चला गया और इसी एक सिंबल से हमारा एक वायर रनिंग पर चला गया, यानी कि हमारे रनिंग कैपेसिटर के एक सिंबल से एक वायर इधर और एक वायर इधर और एक वायर इस पर सप्लाई आएगी, तीन वायर जुड़ेंगी। PTC के दूसरे सिंबल से दोस्तों हमारी ये वायर
स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर के इस थिंबल पर आ गई है और इसी से हमारी ये वायर स्टार्टिंग थिंबल पर चली गई है। इस तरह हमारे इस डायग्राम में सभी कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। जिस टेक्नीशियन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।